हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑफ लाटिकार एक्सेसरीज। मेरा नाम है गिन्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज एक बार फिर से एक नई वीडियो में, और आज की वीडियो इज़ फॉर द बेस लवर्स, जिनको अपनी कार में बेस पसंद है, जो स्पीकर से सेटिस्फेक्शन जिनको नहीं होती है। बट आज की जो वीडियो है, जो आज की जो कार है हमारी, वो इसके ऊपर है कि सर ने स्पीकर जो हैं वो ऑलरेडी अपनी कार में पहले से लगाए हुए थे। ब्रीज़ा हमारी कार है, टॉप मॉडल है, जिसके अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट लगा हुआ आता है, स्पीकर जिसके अंदर चारों स्टैक के लगे हुए थे, लियो 650 चारों कंपोनेंट्स लगे हुए थे, इन JBL का 4 चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ था। बट वायरिंग्स जो स्टैक के स्पीकर डिजर्व करते हैं, जो एम्पलीफायर से होनी चाहिए, उस तरीके से नहीं हुई थी। तो वायरिंग कनेक्शन हम लोगों ने की हैं। साथ ही साथ हमने JL ऑडियो का सबवूफर लगाया। ये JL ऑडियो का 12 इंचज सबवूफर है, जो एक सील्ड एनक्लोजर के अंदर आता है, जिसके अंदर आपको JL ऑडियो की बैजिंग भी देखने को मिलती है। इसका आपको इफेक्ट सुनाएंगे एक NCS म्यूजिक में। वायरिंग्स कैसे हम लोग करते हैं वो आपको दिखाएंगे, और क्या हमने एम्पलीफायर इस कार के अंदर यूज़ किया है टू ड्राइव दिस सब वूफर, हमने कौन सा मोनो एम्पलीफायर यूज़ किया है, जस्ट एक उसके ऊपर वीडियो यहाँ पर है। वीडियो कैसी लगी हमारे को ज़रूर बताना। अगर मैं आपको इस तरफ लेकर आऊँ कि हमने एम्पलीफायर कौन सा लगाया, तो हमने एम्पलीफायर लगाया सोनी का GS100। जो वायरिंग्स हम लोगों ने यूज़ की हुई हैं वो सर्विनवेगा की 8 गेज वायरिंग यूज़ की हुई है। ये भी बहुत मैटर करता है कि हम लोग वायरिंग्स कौन सी लगा रहे हैं। 4 चैनल एम्पलीफायर में हमारी 8 गेज वायरिंग यूज़ हो जाती है, बट जब हम मोनो एम्पलीफायर की बात करते हैं, उसको पावर ज़्यादा चाहिए होती है बैटरी से, तो हम लोग उसके अंदर 4 गेज वायरिंग यूज़ करते हैं। और अगर और इससे हैवी सेटअप होता है तो हम 0 गेज वायरिंग भी यूज़ करते हैं। बट जो हमारा JL ऑडियो का सबवूफर है, जो हमारा सोनी का मोनो एम्पलीफायर है, उसमें हमारी 4 गेज वायरिंग यूज़ होनी थी, तो हमने सर्विनवेगा ब्रांड की वो यूज़ की है। स्पीकर वायर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, जो हमने करेक्शंस की हुई हैं वो हमने किस तरीके से की हैं, बहुत मैसी तरीके से वायरिंग हुई हुई थी। इसके अंदर हम लोगों ने जो एम्पलीफायर था JBL का, वही रिटेन करके फ्लेक्स की स्पीकर्स वायर यूज़ की हुई हैं। जो वायरिंग करने का तरीका है, अंडर द कारपेट आती है सारी वायरिंग्स, और जो एक प्रोफेशनल और प्रॉपर तरीके से होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसमें कोई भी आपको ऐसी कोई होता है ना कि रेस की आवाज़, कोई हॉर्न की आवाज़, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता। नो नॉइस फिल्टर्स, नथिंग, कुछ भी यूज़ नहीं होता है। स्टीरियो कंपनी फिटेड था, इसलिए हमारे को इसके अंदर हाई लो कन्वर्टर्स का यूज़ करना पड़ा, इसलिए हमने JBL के हाई लो कन्वर्टर्स का इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, और रिजल्ट बहुत अच्छा यहाँ पर निकल कर आया। जिनकी कार है वो भी 100% सेटिस्फेक्शन है अपने इस सेटअप से, हमारे रिकमेंड किए हुए JL ऑडियो के सब वूफर से। वीडियो कैसी लगी हमारे को ज़रूर बताना। अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको एक NCS में इसका इफेक्ट भी ज़रूर सुनाएंगे।